नमस्कार दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की इस वीडियो में मैं सीएम इंदु आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कल निफ्टी में हम किस लेवल पर ट्रेड प्लान करेंगे, क्या हमारी प्लानिंग रहेगी, किस तरह से हमारी प्लानिंग रहेगी, चलिए देखते हैं इस वीडियो के जरिए। मैं आपको ले चलता हूँ डायरेक्टली निफ्टी के डेली चार्ट के अंदर। तो यहाँ पे अगर मैं निफ्टी का डेली चार्ट देख पा रहा हूँ, एंड यू कैन सी दैट आज निफ्टी ने भी एक ना दोजी कैंडल बनाई है। तो ओवरऑल आज मार्केट में ज्यादा कुछ था नहीं, एक डाउन साइड का जो मूव बना रहा था वो भी एक स्पाइक जैसा था कुछ सेकंड्स के लिए। फिन निफ्टी में निफ्टी आज मैंने इतना ज्यादा देखा नहीं था बिकॉज माई फोकस वॉज ऑन फिन निफ्टी। एनीवेज, अब कल के लिए प्लानिंग करते हैं, कल की प्लानिंग के लिए। और एक एक और चीज अगर आप देखें तो निफ्टी ने ना आज एक इनसाइड कैंडल बनाई है। जैसे मैं बार बार कह चुका हूँ इवन मेरे पास्ट की वीडियोज में भी कि पिछले कुछ दिनों से निफ्टी इज मूविंग स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी। तो आज अगर आप बैंक निफ्टी देखो, अगर आज आप फिंग निफ्टी देखो, उन्होंने प्रीवियस कैंडल से नीचे जाके एक डोजी कैंडल बनाई है, जबकि निफ्टी ने प्रीवियस कैंडल के अंदर ही एक इनसाइड कैंडल बनाई है। ये सारे इंडिकेट देखो, एक तो सबसे पहली बात तो अगर आप मेरा निफ्टी का वीकली एनालिसिस का वीडियो देखो तो मैंने बहुत क्लियर बताया कि निफ्टी वीकली चार्ट पे अगर मैं देखूं तो वो बुलिश रन में है। ये जो वीकली लास्ट वीक का अगर ये लो रहेगा 4 अक्टूबर का, इसके या तो जो भी लहेगा रो इसके आसपास का स्टॉप लॉस लेके आप लॉन्ग कर सकते हो। बट इंट्राडे पोजीशन के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए चलिए हमारा प्लानिंग करते हैं। आज के दिन का जो हाई बनाया दैट इज 19781, यहां पे एक लेवल मार्क कर देता हूं। आज के दिन का जो लो बनाया है निफ्टी ने दैट इज 19691, तो बहुत छोटी सी एक 80 पॉइंट की रेंज के अंदर आज निफ्टी रहा हुआ है। और जो क्लोज दिया है दैट इज 731, तो 731 के आसपास भी मैं एक लेवल यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखना इंपॉर्टेंट ये होगा, अगर निफ्टी को एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव देना है, बहुत ध्यान समझिएगा, अगर निफ्टी को एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव देना है तो ये जो प्रीवियस कैंडल है ना जिसके अंदर एक इनसाइड कैंडल बनाई है उसके हाई और लो को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। तो ये जो प्रीवियस कैंडल है, मतलब कि जो कल फ्राइडे की कैंडल है, फ्राइडे की जो कैंडल है उसका हाई है 19,805। तो जब तक 19,805 और फ्राइडे की कैंडल का लो है 19,635, जब तक इन दो लेवल के बाहर निफ्टी नहीं निकलेगा तब तक इसका कोई अच्छा मूवमेंट देना इम्पॉसिबल है। हमारे लिए अगर आइडियल सेटअप की बात करूं तो आइडियल सेटअप यही रहेगा कि कल फ्लैट ओपन हो, थोड़ा कंसोलिडेट करे और फिर ऊपर की तरफ जाए, तो आप प्लान कर सकते हो। या तो मैं काम करता हूँ, पिछली बारों भी जब इनसाइड कैंडल बनाई थी तब मैंने किया था कि जो प्रीवियस डे की कैंडल्स है, मतलब कि हमारे केस में जो फ्राइडे की कैंडल्स के हाई और लो है उसको मैं यहाँ पर रेड मार्क कर देता हूँ, ताकि आपको पता रहे कि ये लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे लेवल इंपॉर्टेंट है बट ये लेवल कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको क्रॉस करना निफ्टी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी बन जाएगा। राइट, चलिए और देखते हैं। Yes. अब हम चले जाते हैं आर्ली चार्ट में, देखते हैं कि और हमारे लिए निफ्टी में क्या प्लानिंग रह सकती है, किस तरह से हमारी यहाँ पे निफ्टी में प्लानिंग रहेगी। सो अगर ये 19,800 का लेवल अगर निफ्टी निकाल पाता है तो फिर हम 843 तक का प्लानिंग कर सकते हैं। इसको वापस मैं ब्लू लाइन कर देता हूँ बिकॉज जो इनसाइड कैंडल बनी है वो ही मैं रेड मार्क करना चाहता हूँ। तो 843 तक का नेक्स्ट टारगेट रहेगा। 843 के बाद अगर और ऊपर बुलिशनेस कंटिन्यू करता है तो फिर हम यहाँ पे 870 या तो 900 तक के टारगेट, 875 तक के टारगेट को प्लान कर सकते हैं। और आई थिंक 731 से 875 तक का आज हमने प्लानिंग किया है, विच इज मोर देन सफिशियंट, क्योंकि निफ्टी के अंदर 250 पॉइंट्स का रेंज जनरली हमें देखने को नहीं मिलता है। अगर निफ्टी आज के क्लोज से डाउन साइड जाता है तो पहला इंपॉर्टेंट लेवल आएगा वो होगा आज का लो दैट इज 19,690। अगर वो ब्रेक कर पाता है तो 19,634। अगर वो लेवल भी ब्रेक होता है तो फिर जो नेक्स्ट हमारा प्लानिंग रहेगा वो 19,600 के आसपास रहेगा। अगर 19,600 ब्रेक करता है तो 19,558 का हमारा टारगेट रहेगा। देखिए मैं लेवल कैसे मार्क कर रहा हूँ, अगर आपको सीखना है तो सीखने पे फोकस कीजिए, सीखने के ऊपर आप ट्राई कीजिए कि यहाँ पे ये जो निफ्टी नीचे 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 गिरता आ रहा था, यहाँ पे निफ्टी ने एक सपोर्ट लिया और वापस ऊपर की तरफ चला गया, तो ये जो स्विंग लो बना है ना उसको मैंने वहां पे मेरे टारगेट के तौर पे मार्क किया। राइट, उसके बाद यहाँ पे एक स्विंग लो हमें दिख रहा है जो कोइंसिडेंटली 19,500 का एक अच्छा सपोर्ट भी बन रहा है।
और यहाँ पे आप अगर देखें तो निफ्टी ने एक बार नहीं दो बार नहीं, ये यहाँ पे एक बार दो बार तीन बार चार पांच बार यहाँ पे निफ्टी सपोर्ट ले चुका है। तो कल के लिए 19,500 एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट रहेगा, और मैं यहां तक ही अपनी प्लानिंग रखना चाहूंगा क्योंकि 19,731 पे क्लोज दिया है, 500 मतलब हमने ऑलमोस्ट 230 पॉइंट का प्लानिंग करा है नीचे की तरफ। इस लेवल तक की हमारी तैयारी है, हमारे लेवल ड्रॉ किए हैं। अगर यहाँ पे निफ्टी आएगा तो हम डेफिनेटली इसको ट्रेड करेंगे, हमारे लेवल के हिसाब से, हमारे सेटअप के हिसाब से ट्रेड करेंगे, कभी जल्दबाजी नहीं करेंगे। और आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप जब ये लेवल पे निफ्टी आएगा, अगर आप निफ्टी ट्रेडिंग करते हो या बैंक निफ्टी का, मेरे सारे वीडियोस बना के रख दिए, आप अपने लेवल का इंतजार करोगे, रैंडम ट्रेड नहीं करोगे। जब आपके लेवल पे आएगा तभी ट्रेड करोगे। अगर आप मुझे प्रॉमिस करते हो तो प्लीज टाइप प्रॉमिस इन द कमेंट बॉक्स, और मैं आपको कल मिलूंगा अगले वीडियोस के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।